अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं कि आप जीवन में कोई भी काम एक संकल्प के साथ नहीं कर पाते हैं, तो रोज कुछ देर के लिए आम का जाप करना आपके लिए सचमुच रूपांतरण लाने वाला होगा। 2 हफ्तों में ही आप अपने काम करने के तरीके में जबरदस्त फर्क महसूस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की आवाज निकालनी हो जीप का इस्तेमाल किए बिना, तो आप कौन कौन सी आवाजें निकाल सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें और देखें। हाँ, आप निश्चित रूप से आ का उच्चारण कर सकते हैं। हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और क्या? मान लीजिए आपके पास जीब नहीं होती, तो आप कौन सी आवाजें निकाल सकते थे? आप आ कर सकते हैं, आप ऊ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। किसी दूसरी आवाज की कोशिश कीजिए। कोई इंसान जो बोल नहीं सकता, एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, वो किस तरह की आवाजें निकालता है? क्योंकि इन 3 आवाजों को निकालने के लिए जीप की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपनी जीप निकाल दें तो आप सिर्फ 3 आवाजें निकाल पाते हैं। आप जीप का इस्तेमाल करके जीप को अपने मुंह में अलग अलग जगह रखकर आप इन 3 ध्वनियों को मिलाकर अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। अगर आप कलर टेलीविजन के बारे में कुछ जानते हैं, यू वुड नो देयर आर ओनली, तो आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ 3 मौलिक रंग होते हैं। इन 3 रंगों के इस्तेमाल से ही आपको ट्यूब पर हर संभव रंग दिखाई देता है। इसी तरह सिर्फ 3 बुनियादी ध्वनियां होती हैं। इन्हीं 3 ध्वनियों का इस्तेमाल करके आप इन तमाम ध्वनियों को पैदा कर रहे हैं। आपकी जीभ इन 3 आवाजों को कई जटिल तरीकों से मिलाने में आपकी मदद कर रही है। अब इन 3 ध्वनियों आ, ऊ और म को मौलिक ध्वनियां, ब्रह्मांडी ध्वनियां या यूनिवर्सल साउंड्स कहा गया है, क्योंकि ये 3 ध्वनियां ही आपके द्वारा बोली जाने वाली बाकी सभी ध्वनियों का आधार हैं। अगर आप इन 3 ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यह ओ नहीं है। तो ये 3 ध्वनियां ही बुनियादी हैं, जो आपके द्वारा निकाली जाने वाली दूसरी हर आवाज का आधार है। तो ओम को यूनिवर्सल साउंड या सृष्टि की मौलिक ध्वनि की तरह जाना जाता है। इफ दिस इज ट्रू, हाउ कम? अगर यह सच है तो कैसे कोई खास धर्म ही इसे अपने ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और कहीं भी और इसके बारे में ज्ञान नहीं है? ये सच नहीं है। जहां कहीं भी एकात्म ज्ञानी महात्मा मौजूद हैं, वहां ओम की ध्वनि होगी ही। जहां कहीं भी इंसान खुद अपनी प्रकृति से मौन हुआ है, स्कूल टीचर वाला मौन नहीं, कानों में ईयरप्लग लगाने वाला मौन नहीं, अगर आप खुद ब खुद अपनी प्रकृति से मौन हो जाते हैं तो आपके शरीर में ओम की ध्वनि गूंजने लगती है, क्योंकि आपके भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि ओम है। जब ओम की ध्वनि गूंजती है तो यह नाभि के ठीक नीचे से शुरू होकर आपकी नाक के सिरे पर खत्म होती है। यह गूंज बस अपने आप होगी। तो जहां कहीं भी एक इंसान अपने आप सचमुच शांत होकर अपने भीतर परम शांति के साथ बैठा, वो हमेशा ओम ध्वनि के प्रति जागरूक हुआ है। जब उसने इस ध्वनि को आगे हस्तांतरित किया तो समय के साथ भाषा और संस्कृति के असर से यह विकृत हो गई। यहां तक कि भारत में भी आम बन गया है ओम। यह ओम नहीं है। आप अपना मुंह खोलिए और आ कहिए, फिर धीरे से अपना मुंह बंद कीजिए, यह ऊ बन जाता है, और फिर इसे बंद कीजिए, यह म बन जाता है।
आम ध्वनि में अनगिनत फायदे छिपे हुए हैं। आज भी अगर हमारे पास कोई मानसिक तौर पर परेशान इंसान आता है तो उसे सबसे पहले आम का जाप करने को कहा जाता है। पहले आप कुछ हफ्तों तक इसे करते हैं, आप शांत और स्थिर हो जाते हैं, फिर हम दूसरे पहलुओं पर जाते हैं। मैं आपको ऐसे सैकड़ों लोग दिखा सकता हूं जिनके लिए मेडिकल विज्ञान के आधार पर यह माना जाता था कि उन्हें जिंदगी भर मनोरोग से जुड़ी दवाएं खानी पड़ेंगी, लेकिन वो लोग दवाओं से पूरी तरह से छुटकारा पा सके सिर्फ आम का जाप करके। If you are suffering from... अगर आप बहुत ज्यादा डर, विकृत सपनों, खराब सपनों, नाइटमेयर्स, अस्थिर दिमाग और अस्थिर शरीर से परेशान हैं, अगर आपके शरीर की सामान्य प्रकृति कमजोर है और आप अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, खासकर बच्चे अगर उनमें अटेंशन डिसऑर्डर्स हैं, तो रोजाना कुछ मिनटों के लिए आम का जाप करने से आपको जबरदस्त फर्क महसूस होगा। अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं कि आप जीवन में कोई भी काम एक संकल्प के साथ नहीं कर पाते हैं, तो रोज कुछ देर के लिए आम का जाप करना आपके लिए सचमुच रूपांतरण लाने वाला होगा। 2 हफ्तों में ही आप अपने काम करने के तरीके में जबरदस्त फर्क महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि है।